हाँ तो जय श्री राम गाइस, सबको तो भाई सबके क्या हाल चाल, होप कि सब बढ़िया होंगे। सो यार आज तुम देख रहे होगे कि थोड़ा सा कंटेंट का जो अपना थंबनेल था वो अलग था, क्योंकि भाई आज हम खेलने जा रहे हैं अपने फ़ोन के अंदर, जो कि अपना होने वाला है अपने फ़ोन के अंदर खेलने जा रहे हैं आज सुपर मार्केट सिमुलेटर। सो यार पीसी के अंदर तो वो चल नहीं रही, पता नहीं क्या इशू आ रहा है, सो डाउनलोड नहीं हो रही वो। सो फोन के अंदर भाई एक नंबर चल रही है, मैंने वैसे ट्राई कर लिया है। सो फटाफट से लगाते हुए एंड करते हैं गेम स्टार्ट। तो फाइनली अपनी गेम भी भाई स्टार्ट हो चुके। सो ये आ रही है हमारे फेस पे सुपर मार्केट सिमुलेटर। सो डे वन में चलते हैं, बस स्टार्ट करी थी मैंने अभी। ओके एंड सो अभी भाई हमारे पास पच्चीस पड़े हैं इसके अंदर $550। सो ये एक एरिया भाई ऑन द रोड है अपनी दुकान, जो रोड पर पड़ती है, बिल्कुल मेन रोड है NH11 का हाईवे जा रहा है भाई यहाँ से। सो भाई बाकी गेम की क्लैरिटी वगैरह, हाँ तो फिलहाल भाई मैं क्या करता, FPS अपने 60 ही है, तो बाकी क्लैरिटी ज़्यादा मतलब अच्छी ठीक ठाक बढ़िया है यार। सो ये है भाई हमारा स्टोर जो अभी क्लोज पड़ा। अच्छा मैं क्यों, मैं अपने कैसे चल रहा हूँ भाई, गाड़ी उड़ा के लेके जा रही है। सो ये है हमारा स्टोर अभी जो क्लोज पड़ा है, और इसके अंदर भाई कुछ भी सामान नहीं है, बस हमारे पास $50 है जिससे हमने अपने स्टोर की शुरुआत करनी है। सो सबसे पहले भाई आसपास यार कोई बंदा नहीं जा रहा क्या, लड़के लड़के जा रहे हैं, गेम में लड़की नहीं है क्या भाई? सुधर जा बेटे सुधर जा। ओह गोरी गोरी गोरी, हेलो गोरी मैम, हमारा यहाँ नया स्टोर खुला है, प्लीज आप आना चाहेंगे? ओ स्टोर तो भी बंद पड़ा है, इसको पहले बुला रहा हूँ। बाकी एरिया तो भाई जो आसपास का दिख रहा काफ़ी अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे अपना स्टोर खुलेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा भाई। उस साइड बंदे, ओ क्या कार जा रही है, फरारी जा रही है भाई, फरारी। यार इस गेम में पूरा ये होता ना कि कार वगैरह भी बाय कर सकते तो क्या ही मज़ा आता। तो चलो ज़्यादा भाई अपनी बातें ख़त्म, बकचोदी ख़त्म करते हुए करते हैं गेम को स्टैंड एंड चलते हैं अपने सुपर अपनी सुपर मार्केट के अंदर। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ भाई, कंप्यूटर को यहाँ से हटा के मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा भाई। हाँ तो सो अपना कंप्यूटर भाई यहाँ शिफ्ट हो चुका है, थोड़ा सा ज़्यादा पीछे हो गया भाई, थोड़ा सा अंदर करना पड़ेगा इसे। हाँ तो अब ठीक है। सो फटाफट से यहाँ से, ओ ये लो यार ये क्या चीज़ आ रही है, यहाँ से सामान उड़ जाता है। एक तो गेम भाई अभी भी स्टार्ट कर गया है, तो माइनक्राफ्ट के अलावा भाई और पबजी के अलावा कुछ खेला ही नहीं। सो इसके अंदर भाई आ रही है मार्केट, हाँ तो भाई ये मार्केट से, ये मार्केट आ रही है कंप्यूटर के फेस पे। सो इस पर क्लिक करते हैं एंड अभी जो सबसे सस्ती चीज़ है भाई, एक ये ले लेते हैं ठीक है, दो बैग इसके लेते हैं, क्या ना आ टू कार्ट एंड एक ले लेते भाई सुसु। भाई ये कौन सी बिकने वाली चीज़ आ गई, तो आई थिंक हाँ हमारा सो पूरा हो चुका है, जो कि यार देखते हैं क्या चीज़ है, हमें नहीं पता। सो इसके अंदर भाई हमें एक चीज़ भी रीचेक करनी पड़ेगी, कितनी हमारी सेल परचेज कैसे हो रही है, सो मतलब क्या चीज़ बिक रही है क्या चीज़ नहीं बिक रही। तो मतलब एक पूरा लगा लो एक तरीके से भाई, ये पूरा स्टोर होने वाला है जो कि अपना एक रियलिस्टिक स्टोर है। बस थोड़े से ना इसके ग्राफिक्स है वो भी रियलिस्टिक हो, क्योंकि मैंने वीडियो ना खेली, बस देखी थी मैंने छोटे इंसान की वीडियो। तो सारा सामान आई थिंक अपना बाहर आ चुका होगा यार, ये अभी भी अपना बाहर लगा है। सामान लाने से पहले इसको सेट करता हूँ यार, मैं चाहता हूँ ये अपना इसके साथ ही रहे। हाँ अब एकदम साथ लगा है। हेलो भाई डिलीवरी कितनी फास्ट है, ऑर्डर करते ही बाहर सामान आ गया। सो ये अभी अपने पास खाली दो रैक है, तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ पे सुसु लगाते हैं भाई। सो 12 पैक आ गए, सही है। बाकी इनमें एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि अपना जो प्राइस है वो भाई अपनी मर्जी से लिख सकता है, ये नहीं कि भाई तुम अगर ₹1 की तुम्हारी अपनी खुद की खरीद आई और तुम सीधा ही भाई ₹100 लगा दो। सो कस्टमर भाई टू एक्सपेंसिव बोल के चले जाएंगे, ये भी वही है, तो इनको साथ में ही रख देते हैं ना दोनों को। बाकी अभी लेवल 1 के लिए सेट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, हाँ तो
अभी तो ट्यूटोरियल मतलब ये मिशन चल रहे हैं, ऐसे मिशन्स वगैरह कि ये पहले ये करो वो करो। सो चलो करते हैं फटाफट से, लगाता हूँ प्रोडक्ट सारे पहले। चला क्यों नहीं, 8 पीस इसके भी 12 नहीं आने चाहिए भाई। तो तुम देख लो खाली 2 रैक में भाई मैं स्टोर ओपन करने जा रहा हूँ, कुछ तो बिकेगा। ओ यार ये तो ऊपर नीचे लग गए। हाँ तो चलो अब ठीक है, बाकी डिब्बे का कचरा नहीं करना, कचरा डालना डस्टबिन में। तो अब बंदे भी आ जा रहे हैं भाई यहाँ से, सही अगर चलेगा सही चलेगा ये वैसे। सो अब क्या करते हैं, सबसे पहले अपना एक बार सामान वगैरह सब चेक कर लेता हूँ, सब चीज़ ठीक लगी है। एंड सबसे मेन चीज़ वो है भाई अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इसका सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। हाँ तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन ही है, क्योंकि भाई अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलेगी ना भाई तो सारा डाटा चला गया हमारे पास से। तो भाई रात हो रही है, पूरे 12 बज चुका है इस टाइम मैं रिकॉर्डिंग करने बैठा हूँ 12 बजे यार, क्योंकि यार पता नहीं पता क्या हो रहा था। सुबह मैं जब दोपहर में रिकॉर्डिंग करने बैठा ना तो फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग भाई फ्लिकरिंग हो रही थी। सो अब जाके ठीक हो चुका है, वो इसमें हो रही थी ठीक, तो इसमें नहीं हुई फिलहाल। पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, क्या सेटिंग छिड़ी है, पहले एकदम ओके चल रही थी, एक बार मैंने जब सेटिंग करी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तो सब भाई छिड़ चुका है। सो अब क्या करते हैं भाई, बारी आ चुकी है अपना क्लोज ओपन स्टोर ओपन करने की। तो हो चुका भाई आज का अपना स्टोर, देखते हैं कौन आएगा। आई थिंक पहला कस्टमर यार एक जिम सिमुलेटर थी भाई, वो बढ़िया थी, उसके अंदर एडवर्टीजमेंट वगैरह बड़ी चीज़ें थी। आई थिंक ये अंकल आएगा, आ जाओ अंकल अंदर आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चल 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 यार अंदर ही नहीं जा रहा कोई कि अंदर चलो, ये स्टोर खुला उधर चल। समझ नहीं आ रही, स्टोर खुला उधर चल। धक्का ना करो वीर जी, धक्का ना करो भाई, साचा चलता है धक्का या सीता कर दे भाई, रुकते ही नहीं आ रही। ओ कोई तो आ जाओ। अच्छा अरे भाई स्टोर ओपन कर दिया, प्राइस सेट करा ही नहीं। वाओ वाओ गाइस वाओ, अभी सारे फ्री में रह जाते हैं। सो मार्केट प्राइस भाई इसका 483 एंड हम इसे करेंगे 6 डन। फ्लोर का मार्केट प्राइस आई थिंक 3 कुछ होगा, हाँ 371। तो अब इसके करते हैं 5। इसमें भी कुछ लोग आएंगे भाई जो वो टू एक्सपेंसिव बोल के, सारे टू एक्सपेंसिव लोग बोल के चले जाएंगे। चलो ये आंटी आ रही है, आंटी जी आ जाओ आ जाओ, कम ऑन कम ऑन कम कम। अच्छा स्टोर तो ओपन ही नहीं करा, वाह यार पता नहीं वो। आ जाओ अंकल आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अबे यहाँ जाना है ना, मैं कंप्यूटर पे गुजार रहा हूँ। चलो अंकल ने एक चावल खरीदा है, लाओ होए होए, कस्टमर दूसरा भी आ गया भाई। चलो अपनी बोनी हो चुकी है भाई स्टोर की, एंड भाई आते ही 17 रुपये का भी कमाई हुई है कार्ड। $6 के लिए भी कार्ड देते के? ओ 60 है भी तेरे भी इतने कैश कुछ ले गया वो यार। चल बेटा जा, ब्राइटनेस तो भाई तुम ये देख लो, अभी तो खाली 8 बजे अपना स्टोर ओपन हुआ था एंड 9 बज चुके हैं, इतनी सी देर में भाई $34 हो चुके। सो आज का हमारा जो मेन टारगेट रहेगा भाई वो रहेगा $100 करने का। आई थिंक इस गेम में नाइट वगैरह लगती होगी, अगर नाइट वगैरह लगती होगी तो भाई पूरे $100 करके ही मैं हटूँगा मतलब। सो रात को वीडियो बनाते हैं ना तो एनर्जी नहीं रहती, मेन दिक्कत क्या भाई घर में बनाते हैं तो घर वाले सारे सो रहे होते हैं,
और यहाँ से चिल्लाया ना तो चप्पलें चालू उड़ जाएगी। आंटी जी आ गई। आंटी ओह वाओ, उनको आन दो पहले। कितने देने हैं? 39 रुपीस। अरे ऐसे ही ले जाओ। गलती हो रहा है। कितने देने? 4 रुपए लो आप, 5 रुपए लो। ओ यार ले लूंगा भाई, ले लूंगा। अपने पास से दिए, तेरे का चुल हो रही है। टेकिंग मनी बैक। तो भाई परफॉर्म्स चेकआउट 25, सो एक अपना हो रहा है। और भाई स्टोर का लेवल भी अपग्रेड होने वाला है आई थिंक। कुछ ना कुछ चीज़ें तो खुलेगी लेवल 1 पे। कितने देने हैं? चल बढ़िया, ऐसे बंदे आते हैं ना खुले लेके आते हैं। कुछ भाई 10 रुपये का सामान लेना, $100 उठा के ले आएंगे। हेलो 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 हेलो, हाँ जो रिकॉर्डिंग चालू है, मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ पड़ी है। आज 100 का टारगेट है, अभी तो 72 है भाई। 12 PM, अच्छा दोपहर के बाहर ऐसे हो रहे जैसे रात हो रही हो। अच्छा मेरे फ़ोन की ब्राइटनेस ही लो है। लो भाई दबा के कस्टमर आ रहे हैं यार। $78 हो गए भाई इतनी सी देर में। अब क्या है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। कार वालों के सामने जाना बेकार है, साले उड़ा के ले जाते हैं भाई। वो काड़ू आया, इसके लिए तो भाई एक बहुत बढ़िया गाना है मेरे पास। ओ मेरी कल्लो, मेरी बल्लो, अरे मेरी कल्लो, अरे। तो भाई कॉपीराइट ना आ जाए यार बस। कोई कस्टमर आ गया, कस्टमर आ गया, कस्टमर आ गया, कस्टमर आ गया। मैं यहाँ बताऊँ उसका मजाक उड़ा रहा हूँ। वो ये ही उठ गया, वो एक पैक हो गया। भाई ये देखो, ये काम देख रहे हो तुम मेरे, कहाँ उठा के कहाँ रख दिया। 14 रुपये देने हैं इसके। 10 आप ठीक है। वहाँ कस्टमर खड़ा हुआ और मैंने स्टोर उठा के रख दिया। अरे यार ये देखो, मैं कह रहा हूँ ना $6 का सामान लेना, $100 उठा के लिया भाई। वो तो चलो शुक्र है गेम अनलिमिटेड खुले देती है। चलो वैसे मैंने ये देख लिया, गेम में ना ईमानदार बंदे नहीं है भाई। हम पैसे कम देंगे ना तो इनका आ जाएगा कि अमाउंट पूरा नहीं है। चलो ऐसे ही चल, मैं दे दूंगा अभी 1 रुपये, भग जाएंगे सीधा, रुकेंगे भी नहीं। सर पैसे वापस ले लो। क्या थोड़ा मोटा बिल बना के लाओ भाई। तो मतलब आज का जो भाई अपना टारगेट था $106 का भाई, वो सुबह 4 बजे ही भाई कंप्लीट हो चुका है। सो भी शाम के 4 बज रहे हैं, सुबह के 4:11। ये देखो मैं कहता हूँ ना, कुछ लोग आते जो टू एक्सपेंसिव। अब भाई भाड़ में जाओ तुम, टू एक्सपेंसिव। चल लो भाई 117। एंड कल का मेरा जो मेन आइटम रहेगा भाई, इसके अंदर मैंने चौको वगैरह देखे थे, एंड चौको वगैरह देखे थे, एंड पास्ता वगैरह था। जो चीज़ की आई थिंक मेरे ख्याल से ये चीज़ें ज़्यादा सेल होनी चाहिए, एंड हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा ही आएगा, मार्केट रेट भी ज़्यादा होगा। तो देखते हैं क्या मार्केट रेट से, मतलब ये है अगर भाई 4 रुपये का, तो कम से कम मार्केट रेट को 1 रुपये हमें प्रॉफिट रखा है मार्केट रेट से। वैसे प्रॉफिट पूरा भाई 4 रुपये ही आएगा, मार्केट रेट से 1 रुपये प्रॉफिट रखेंगे। तो बाकी अभी एक अंकल और आ गया। वैसे यार दुकान ना बड़ी छोटी लग रही है इसको भाई, मुश्किल से कह रहा हूँ 3-4 एपिसोड में ना ये दुकान ना ऐसी बड़ी कर दूँगा, बहुत बड़ी कर दूँगा इस दुकान को भाई। 3300 रुपये देने अंकल के। चलो अब चले जा, फ्लोर इज टू एक्सपेंसिव। अच्छा चलो कुछ ये देखो, अभी वो दोबारा उठ जाता। कितने रुपए देने? अच्छा पैसे लिए नहीं, दे पहले रहूँ मैं।
यार थोड़ा सा तो हो जाता है यार, बाहर तो मिल नहीं, चलो गेम के अंदर तो है। पैसे की बात कर रहा हूँ भाई, पैसों की, डोंट थिंक रॉन्ग। देखो पाँच रुपये के लिए कार्ड लेके आ रहे हैं, तुम पेट्रोल भरवाने थोड़ी आए हो। चलो इसका तो बनता है, चलो 12 कुछ तो दिया इसने। सो भाई $157 हमारे रात तक हो चुके हैं भाई, रात कितनी ज़्यादा हो गई है, बंदे सारे काले काले नज़र आ रहे हैं अब तो। इसके रात में पता नहीं सारे कार्ड ही लेके आएंगे क्या भाई। भाई आज मतलब लेवल 2 भी हो चुका और भाई पता भी नहीं लगा। सो आज मैं परफॉर्म चेकआउट हो चुका भाई, 18:25 आई थिंक मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी है, दोबारा ऑन कर लेता हूँ। तो यार मैं ना गेम खेलने में इतना मस्त हो गया कि रिकॉर्डिंग का टाइमर ही पता नहीं लगा, वो तो मैंने रिकॉर्डिंग को देख लिया, वॉइस रिकॉर्डिंग को, कि हाँ भाई 18 मिनट हो चुके हैं। ₹95 यार, रुपीस पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ मैं, बार बार आदत है ना थोड़ी सी रुपीस बोलने की। चलो अंकल जी दफा हो जाओ, उनको पहले आन दिया करो यार, बेशरम बंदे है भाई बेशरम। $6 लो भाई, आज में अगर मेरा स्टोर क्लोज नहीं करता मैं नाइट मार दूंगा पूरी। बढ़िया आज का प्रॉफिट कम से कम तो भाई $200 तो निकालना ही है आज में। $185 खाली $15 बची और आज में भाई $200 कंप्लीट है। ऐसा होनी चाहिए गेम में कि ये कैश भाई सही में अपने ट्रांसफर हो जाए। तीन चार बंदे हो रहा है, तीन बंदे हो रहा है अपना सामान, क्योंकि अपनी आइटम की स्टार्टिंग ही भाई ₹5 से है, $5 से भाई अपना भाई चावल और सूसु दोनों चार चार पीस बचे आई थिंक। यहाँ से तो मुझे चार दिख रहा है, आई थिंक ये हाँ चार चार पीस बचे हुए हैं। आ नहीं रहा आप कोई, 9 बज चुके हैं, वैसे स्टोर क्लोज करने का टाइम आ चुका है, लगता नहीं मुझे कि अब कोई आएगा एंड अपनी हो पाएगी सेल। आ रहा है कोई, वो देखो गाड़ी के शीशे के बाहर से निकल के जा रहा है, वाह दिल्ली वाला आएगा, दिल्ली है। चलो स्टोर क्लोज कर ही देते हैं। तो आज का अपना डेली स्टैटिस्टिक्स आ चुका है, सेटिस्फाइड कस्टमर 19, प्रोडक्ट फाउंड एक्सपेंसिव 3, बस 3 नहीं कर कोई दिक्कत नहीं है, टोटल कस्टमर 22, स्टार पॉइंट 112। सो भाई सप्लाई कॉस्ट माइनस 41, टोटल प्रॉफिट आज का $135.76 हुआ है। सो मतलब जो हमारे पास बैलेंस है $185 है। सो अब मुझे क्या करना है भाई, डेली एक्सपेंस पता नहीं भाई क्या चीज़ है, बाकी अभी मैं एक बार जहाँ चेक कर लेता हूँ। सो 1, 3, 4 एंड 4 यहाँ बच्चे। सो अब मैं यहाँ फटाफट से ओपन करने से पहले, अभी ये चीज़ इसमें एक अच्छी है, जब तक मैं भाई स्टोर ओपन नहीं करूँगा तब तक 8 बजे रहेंगे सुबह के। तो अबे यार गेम वालों को ना थोड़ा सा सेटिंग करनी चाहिए यार भाई, यहीं पता हाथ लगेगा बंदे का बार बार। सो आज मुझे वैसे सबसे पहले मेरा क्या था, एक 2 पैकेट मैं इसके मंगा के रखता हूँ, नहीं 1 पैकेट बहुत है, 12 पीस आएंगे तो। ऐड टू कार्ट हो गया, डिस्प्ले में एक ब्रेड एंड 1 पास्ता, पास्ता भी आ चुका है। अभी 55 वोल्ट का हुआ है, और कुछ नहीं मंगा सकते क्या। सो फ्लोर हमारे पास ये भी ख़त्म हो रहा है, 83 एंड फ्लोर भी ख़त्म हो रहा है। सो एक ये भी मंगवा लेते हैं। सो ₹113 का सारा हो चुका है एंड भाई एक एक चीज़ आई थिंक आज के लिए इनफ रहेगी। सो आज कम से कम मुझे भाई $200 प्लस का प्रॉफिट चाहिए भाई, और बाहर सारी आई थिंक आइटम्स आ गई होगी। आज $200 क्रॉस करने हैं, वैसे 63 अपना आज का अमाउंट है जो ये हमारा काउंट नहीं होगा। सोचता हूँ मैं यहाँ पास कर लेता हूँ, यार माउस कीपैड वगैरह की ना ऐसी आदत हो रखी है कि इन चीज़ों में फ़ोन वोन में तो गेम खेल ही नहीं जाती, बट कोई नहीं अब क्या करे, चलती नहीं कि वो चल ही नहीं भाई, ग्राफिक कार्ड का इशू हो रहा है मेरे ख्याल से तो। सो बाकी सारा सामान फटाफट से अंदर रखता हूँ।
तो लो भाई सारा अपना स्टोर का सामान जो है भाई वो लग चुका है। एंड अब थोड़ा देखने में लग रहा है भाई, देख रहे हो दूसरे दिन में ही स्टोर अपने ने पूरा भर दिया। एंड 63 रुपीज़ बचे हुए, अपने $63 बचे भी हुए। सो ये सामान है जो भाई कुछ बचा हुआ है। सो अपने ऑयल है यहाँ पे, चौक पीक है। सो एक बार सबसे पहले सबका रेट डाल लेता हूँ। मार्केट प्राइस इसका 5 है, तो हम इसका भाई अपना प्राइस 7 रखेंगे। सो डन, ओके। तेल का प्राइस कितना है भाई, 450। सो हमारी तरफ से 6 रहेगा। डन, ओके भाई, इसका प्राइस दे ही रखा है। ब्रेड का प्राइस कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 5 डालेंगे। 3 कुछ है ना, हाँ 96, वो 5 ही जाएगा। पास्ता 7 रुपये, नहीं नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 5 रुपये बहुत है भाई। फिर $5 यार, रुपये चले जा रहे दुकान पे। आई थिंक सबकी कॉस्ट बढ़ चुकी है। एंड अब फटाफट से आज का टाइम अपने स्टोर को ओपन करने का। सो स्टोर ओपन हो चुका है सुबह का, फटाफट से आओ भाई कस्टमर दबा के। अब कुछ नहीं करना भाई, ओह ये क्यों उठ ले आता है यार। बस फटाफट से कस्टमर आए एंड हम यही खड़े अब चेकआउट पे। खींच के लाने पड़ेंगे क्या, आ नहीं रहा कोई। आ जाओ भाई, स्टोर खोल गया साडा, सबके प्राइस भी ओके हैं भाई, सब कुछ चीज़ बट गई, फिर क्यों नहीं आ रहा कोई। गंजा आ गया। नहीं भाई यहाँ पे आदिवासी हेयर ऑयल नहीं मिलता। तो लो कर्फ फ्लोरिश, ये देखो 2x में। अबे कितने का भाई, 1 रुपये ही तो महंगा मिल रहा है। वो देखो वो बंदा है ना खरीद रहा है, लो खरीद रहे, सू खरीदा इसने। लो भाई पहला बंदा है जिसने भाई $18 का सामान खरीदा है, क्योंकि अब सामान बढ़ गया है। तो भाई अपनी जो अपनी अब हमने सप्लाई बढ़ा दी, सो डिमांड भी हमारी ज़्यादा ही होगी एंड भाई प्रॉफिट भी अच्छा खासा आएगा। वाओ 2 एक्सपेंसिव फ्री में दे दूंगे अब तुझे, 2 एक्सपेंसिव। तो लो यार बढ़िया, एक नंबर आज का अपना, अभी तक खाली 18-30 डॉलर का आज का काम हुआ है अभी तक खाली। मतलब ये लगा लो भाई 2 घंटे में खाली, ये हो टाइम कितनी जल्दी बढ़ रहा है। कम से कम आज भाई $63 हमारे पास पहले से थे, सो $263 की आज की सेल करनी है। अभी तो गई थी, तो लगता है मैं पसंद आएगा इससे, दोबारा आ गई खरीदने। भाई ये फ़ोन में ना ऐसा इतना हालत टाइट हो रखी है, कमर दर्द हो जाती है पूरी यहाँ पे बैठे बैठे ना। टेक बंदा लगा नहीं सकता, माइक की रेंज पता नहीं क्या हो रखा है, सारी चीज़ें ऐसी तैसी हो रखी हैं। परचेज प्रोडक्ट लाइसेंस यूजिंग कंप्यूटर, हाँ तो एक मतलब लाइसेंस अपना ये रहेगा कि हमें कोई एक अदर लाइसेंस जैसे एग वगैरह बेचेगा से लाइसेंस खरीदना पड़ेगा। उसके बाद एग खरीदने का क्या फ़ायदा भाई, फ्रिज खरीदना पड़ेगा, $200 का फ्रिज आ रहा है एंड $200 का लाइसेंस है। सो $400 कम से कम ये लगा लो 2 दिन के काम और रहेंगे, तब जाके हमारी ये दोनों चीज़ें हो पाएगी। जब एग के बाद भाई सेल, इतना पता है मुझे कि भाई जो हमारी सेल इतनी आ रही है वो डबल होने वाली है एग के बाद। सो कितना डॉलर है, $39 से वापसी देने अपने को। तो हमारी भाई अभी तक खाली 90 रुपीज़ की सेल हुई है, हाँ 87 आई थिंक, क्योंकि $63 तो पहले ही थे, $88। तो अब हुई है भाई जाके पूरे 104 रुपये की सेल। सो अपने आज का भाई 2 बजे तक का हमने $100 का अपना कंप्लीट कर सका, जहाँ तक कि मुझे लग रहा है अब मैं भाई $200 क्रॉस कर सकता हूँ आज की सेल में इजी। यार यहीं खड़ा हूँ मैं बाहर, पता नहीं 3 बजे कैसे अंधेरा सा हो जाता है। अब कस्टमर जमा हूँ दो फिर आऊँगा भाई, मैं इतना वेला थोड़ी हूँ।
यहीं खड़ा रहा हूँ, चल अंदर आजो आजो आजो, चलो अंदर जाओ मैम, मैम अंदर जाओ। और कस्टमाइज वही चाहिए, 5-5 रुपए की चील लेकर आएंगे, खुले करवाने आ देंगे। भाई मुझे लग रहा है आज भी खाली अपनी $140 की सेल हो पाएगी, 4:30 बज चुके हैं, खाली $184 हुए हैं। तो भर भर के सामान उठाओ, कुछ ख़त्म खत्म ले, तेल की बोतल ख़त्म होने वाली भाई। हाँ इसने लिए ना सही $17 तो दिए, चलो एंटर सीधा। सो $200 अभी क्रॉस नहीं हुए, सॉरी $140 क्रॉस हुए अभी, $60 और चाहिए बस अपने आज के 200, आज का टास्क मतलब जो हमारा होगा वो ख़त्म हो जाएगा, बाकी level 2 भी क्रॉस हो चुका है, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं करा। बस शॉप पे आके रोके जाएंगे क्या, ये लो है, ऐसे तो भाई एसपी जा अपनी हो जाएगी -1 इनकी, वैसे ये रोते रहेंगे तो और क्या, अब इनको फ्री में दे दूं, ये देखो सॉरी भाई की ऐसी की तैसी, एक आधा लट होता ना तो कसम से बजाता मैं। वाह भाई क्या मतलब, क्या ग्राफिक्स तो भाई बहुत बढ़िया है यार गेम के वैसे। तो भाई मैं फ़ोन की वो बना रहा हूँ, क्या नाम है अपनी माइनक्राफ्ट की SMP, जो भी भाई अपना ज्वाइन होना चाहता है सो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकता है अपने माइनक्राफ्ट के लिए। सो फ़ोन की SMP जल्द ही बन जाएगी भाई, जैसे मतलब 3-4 बंदे हुए ना तो भाई मैं फ़ोन की SMP बना दूँगा। 7 बज गया यार, अभी तक सेल नहीं हुई यार सही $163 की। अभी कितने, $34 अभी और चाहिए यार, कोई बढ़िया दबा के सामान खरीद लो। चलो कुछ तो खरीदा इसने ढंग का, रात आते ही सब कार्ड लेके आते हैं भाई। 17 बढ़िया, $20 का सामान मैम ने आई थिंक खरीद लिया हो, कहा था ना कार्ड आते हैं लो। तो फाइनली भाई जो अपना आज का टास्क था भाई $200 का, सो day 2 में कंप्लीट हो चुका है। आ जाओ भाई और भी आ जाओ, वैसे अभी तो 9 बजे कस्टमर आएंगे, सो 9 बजे के बाद कस्टमर आना बंद होते हैं बेसिकली इस गेम में, जो कल भी मैंने नोटिस करा है। स्लाइस ब्रेड इज टू एक्सपेंसिव फॉर मी, तो मैं क्या करूँ, कमाओ अच्छा भाई, बढ़िया जॉब लगो, पढ़ाई लिखाई करते। ओ कैश आया भाई, ये पहली बार लो भाई 277, एक बंदा लो भाई $300 आज की भाई क्रॉस होने वाले है, मतलब अपने बैलेंस $300 ही रहेगा भाई, बढ़िया बढ़िया। अभी कट जाता ना भाई लॉस हो जाता $9 का, तो ऐसे ही चलो $298, $2 का कोई और सामान हो ले गए। एक बंदा और आ जाओ भाई, एक बंदा वेट करता हूँ, क्या पता कोई तो हो जाएगा। ऐसे जहाँ तक कि मुझे पता है नौ बजे के बाद भाई कोई बंदा नहीं आता शॉप पे, आई थिंक इनफ होगा इतना, एक बार मैं बाहर जाके देख लेता हूँ बाकी कोई आता है तो ठीक है, वरना चौक इधर घूम रहे क्या, चाखते रहो। सो आज का स्टोर बंद करते हैं भाई, क्लोज्ड। सो आज का अपना प्रॉफिट है 1 भाई, कल से कम प्रॉफिट है आज का अपना, $113। बाकी सेल तो हमने $298 का करा है, तो अब देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ें ख़त्म हो रही है। सो आई थिंक ये क्या है भाई, फ्लोर है और सूसू है, सूसू को मैं यहाँ लगा देता हूँ, तेल मंगवाना है आज बेसिकली, एंड अभी बाकी चीज़ें भाई मैं अभी नहीं खोलूँगा, इसको यहीं रख देता हूँ अभी मैं कूड़ा इकट्ठा करके फेंक दूँगा यार।
तो लोग सो हाँ बेसिकली भाई तेल और ब्रेड ख़त्म हो चुकी है इसको, तो बाकी भाई अब जो है मिलते हैं आपसे नई वीडियो के एंड नए भाई बढ़िया से टॉपिक के साथ। सो आज के लिए भाई सभी को बाय एंड गाइस सभी को जय श्री राम। अगर वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना, बाकी चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, सभी को बाय एंड गाइस सभी को जय श्री।